हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है दैया और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स मेटल्स, मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कैसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्डिंग होती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है। ठीक है, हम तीन टाइप की थ्योरीज पढ़ेंगे जिसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले थ्योरी आती है वर्नर थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। सबसे पहले हम वर्नर का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि वर्नर कौन था। वर्नर एक साइंटिस्ट है जिसने वर्नर थ्योरी दी है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। बट हम वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। वर्नर इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री बिकॉज, क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने हमें ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर या फिर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसे ज्योमेट्री बनती है, वो सब को किसने डिफाइन किया था, किसने क्लासिफाई किया था, एक्सप्लेन किया था, वर्नर ने किया था। ओके, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री था जो कि हमें पता होना चाहिए। मान लो कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वर्नर को जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये सब थ्योरी हिस्ट्री थी जो कि हमें पता होना चाहिए। चलिए, बहुत ही सिंपल है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के अंदर वर्नर क्या हमें एक्सप्लेन करना चाहता है, हमें ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि कैसे कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग होती है एंड ज्योमेट्री कैसे बनती है। ठीक है, इसमें ये दो तरह की वैलेंसीज को इंट्रोड्यूस करता है हमें, कि दो टाइप की वैलेंसीज होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो फर्स्ट होती है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंड होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, कौन कौन सी वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है और क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, देखो अब आपको ये बताएगा कि प्राइमरी वैलेंसी के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा, ये आपको बताया। तो कुछ जनरल बातें देख लेते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी के लिए क्या जनरल पॉइंट्स होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी के लिए क्या जनरल पॉइंट होते हैं और इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है प्राइमरी वैलेंसी की, कि ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं कोरिस्पॉन्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कोरिस्पॉन्ड करेंगे, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो किस पर कोरिस्पॉन्ड करेगी, ये करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर को। मतलब जो भी सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर को, और जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आती है आपकी कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है ये होती है आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल बट सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास में कोई कंपाउंड है, एग्जांपल C1H3 का होल 6 पर आपको देगा Cl3। ठीक है, ये आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का जो फंडा है ये भी हमें किसने बताया था, वर्नर ने बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कंपाउंड या जो भी लिगेंड्स या सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगा वो कभी भी आयनाइजेबल नहीं होगा। एंड इसके अंदर जो NH3 है वो कौन से वैलेंसी को शो करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को, जबकि जो Cl3 है जो कि आयनाइजेबल पार्ट है वो किसको शो करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल नेचर में होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो होती है डायरेक्शनल। और नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ही हमें ये बताएगी कि ये कौन सी वैलेंसी ज्योमेट्रिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी वैलेंसी ज्योमेट्रिक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो देखो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, जब हम आयोनिक बॉन्ड को पढ़ते हैं तो केमिकल बॉन्ड में जब हम आयोनिक बॉन्ड को पढ़ते हैं तो हम ये उसका एक
कैरेक्टर लिखते हैं या उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं कि ये नॉन डायरेक्शन होता है। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है वो नॉन डायरेक्शन होता है और एक नॉन रिजिड होता है, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शन होगा तो ये कभी भी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री को फॉर्मेशन नहीं करेगा, जबकि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है या कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन, जो कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को या स्पेसिफिक ज्योमेट्री को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शन प्रॉपर्टी होने के कारण ये कभी भी ज्योमेट्री के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शन होने के कारण ये हमेशा ज्योमेट्री के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहेगा ज्योमेट्री में, सेकेंडरी वैलेंसी का करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे और कौन से पार्ट सेकेंडरी वैलेंस को सेटिस्फाई करेंगे। देखो नेगेटिव पार्ट जो जितने भी होते हैं, ठीक है, नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो सेटिस्फाई करेंगे किसको, प्राइमरी वैलेंसी को, ठीक। और जो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस या फिर न्यूट्रल कंपाउंड या फिर न्यूट्रल आयंस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड भी हो सकते हैं, जो कि किसको सेटिस्फाई करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। एंड दूसरी रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला क्या होता है कि हम कैसे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंटेशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब दोनों का रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला कैसा होगा, प्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो जब भी हमें प्राइमरी वैलेंसी को शो करना है तो हम डैश लाइन यूज करेंगे, कौन सी लाइन यूज करेंगे, डैश लाइन। लेकिन जब हमें सेकेंडरी वैलेंसी को शो करना होगा तब हम कौन सी लाइन यूज करेंगे, सॉलिड लाइन यूज करेंगे। जब भी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में आपको सॉलिड लाइन दिखे, इसका मतलब वो जो लिगेंड है वो कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को। और अगर आपको प्राइमरी वैलेंस सेंट्रल मेटल एटम या फिर और लिगेंड के बीच में आपको डैश लाइन दिखे तो इसका मतलब वो आपको कौन सी वैलेंसी शो करेगा या कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक। अब कुछ जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा जिसमें सॉलिड लाइन होगी और उसके नीचे डैश लाइन प्रेजेंट होगी, इसका मतलब वो जो लिगेंड होगा वो प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा करेगा प्लस साथ में सेकेंडरी वैलेंसीज को भी शो करेगा या फिर सेकेंडरी वैलेंसीज को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेकर के समझते हैं, तो एग्जांपल मान लो आपके पास हमारा पड़ा है CO Cl3.6H2, एक हमारे पास में ये है, दूसरा हमारे पास में क्या है CO Cl3, वो छोटा भी CO Cl3.5H2, दो कंपाउंड्स, सॉरी NH3 लिख लीजिए यहाँ पे 6NH3 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 5NH3, ठीक। दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, एक है COCl3.6H2O, सॉरी 6NH3 और एक है हमारे पास में COCl3.5NH3। अब इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों को इस पैटर्न के अंदर अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, देखो CO फिर क्या आएगा NH3 का होल 6, भैया आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन जो सॉरी कोबाल्ट जो है वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये इसके पूरे के पूरे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, Cl3 बाहर आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, CO फिर क्या आएगा NH3 आपके पास में कितना है 5, अब आपको एक और चाहिए तो इसके लिए आपको जो एक Cl है इसको अंदर डाल रखना पड़ेगा और दो Cl आ जाएंगे बाहर, यानी दो Cl जो होंगे वो आयनाइजेबल Cl होंगे, मतलब ये आयनाइजेबल हो सकता है दोनों के दोनों Cl, जबकि ये Cl जो है वो आयनाइजेबल नहीं होगा, आयनाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो प्लस 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर सॉरी प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोबाल्ट जो है वो कौन सी कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है 6 करता है, ठीक है। तो ये 6 हो गए टोटल। चलिए अब ज्यादा अपन नहीं खींचते हैं, इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये है न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल लिगेंड क्या काम करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेंगे, यानी यही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ज्योमेट्री में। मान लो ये कोबाल्ट है, इसको बाहर से 6 CN आपको अटैच करना है, तो ये 6NH3 जो है ये एक NH3 तो टोटल हम कितने NH3 अटैच करेंगे, 6NH3 अटैच कर देंगे ये, ठीक। तो टोटल कितने हो गए 6NH3 हो गए। अब हमारे पास में 3 CL है और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन प्राइमरी वैलेंस को शो करेंगे और प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम यह क्या यूज करेंगे, डैश लाइन यूज करेंगे। तो मान लो एक Cl यहां से कनेक्टेड है ऐसे, तो हम इसको बड़ा कर देते थोड़ा, एक Cl ऐसे कनेक्टेड है और एक Cl जो है वो ऐसे कनेक्टेड, ठीक है। तो टोटल 3 Cl हो गए, 6NH3 हो गए। बट जब भी ज्योमेट्री को बनाया जाएगा या फिर ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन होगा
इसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एनएस3 मॉलिक्यूल ही इसकी ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा। ठीक, तो जब ज्योमेट्री में हम बनाते हैं तो मेरे पास मल्टीपल कलर का मार्कर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब ध्यान रखें ज्योमेट्री जो आएगी वो कौन सी ज्योमेट्री आएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। क्लियर। अब अगर हम इसको बनाएं तो इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखूँ आपके पास में कोबाल्ट है, इसके साथ आपने 5 NH3 कनेक्ट कर, ये 5 NH3 कनेक्ट हो गए, 1 NH3 सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखो एक सीएल जो है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के अंदर है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यानी ये नॉन-नेगेबल। अब ये जो सीएल है ये दोनों टाइप की वैलेंसीज को शो करेगा, प्राइमरी वैलेंसीज को भी शो करेगा और सेकेंडरी वैलेंसीज को शो करेगा। तब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये सीएल, अब हम यहाँ पे डैश लाइन भी लगा देंगे ताकि हमें ये पता चलेगा कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को शो कर रहा है। दो बाकी जो सीएल है इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे, ये एक सीएल और एक दूसरा सीएल। ठीक है, थोड़ा मैंने बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको आसानी से, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि ये सीएल प्राइमरी वैलेंस इसको शो कर रहा है और ये सेकेंडरी। ठीक है, फिर ना कचरा ना बन जाए, इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा थोड़ा बड़ा करके आपको बताया। ठीक, तो इस प्रकार से इन दोनों की ज्योमेट्री डिसाइड कौन करेगा, सेकेंडरी वैलेंस शो करेगा। ठीक है, तो यही है वर्नर थ्योरी, इसमें कुछ ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको कोई भी चीज नहीं एक्सप्लेन की गई है, बस इतना सा आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है सेकेंडरी वैलेंस और प्राइमरी वैलेंस, कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कौन इसको सेटिस्फाई करता है, कौन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, एंड कैसे आप ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हो कौन सी वैलेंसी होती है वो ज्योमेट्री फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो ये पूरी पूरी वर्नर थ्योरी थी, बट आपको वर्नर थ्योरी सीधा डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है। अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें, जेई मीन्स एडवांस या फिर नीट की बात करें, तो आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, उनको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ये मेनली आपको जेईई एडवांस में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो उसमें ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो स्टार्ट करते हैं, क्या पता आपको नीट में भी देखने को मिल सकता है या फिर जेईई मेंस में भी देखने को मिल सकता है इस बार। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है 26.5 ग्राम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स CrCl3.6H2O आर ट्रीटेड विद Ag3। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने ये पढ़ा और ये पता किया कि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है CrCl3.6H2O। ठीक है, एंड इसको ट्रीट किया गया है किसके साथ, Ag3 के साथ, इतना हमें पता। और प्रोड्यूस होता है कितना, AgCl प्रोड्यूस होता है, और इसका नंबर दे रखा है, ये हम लिख लेते हैं कि ये चीज हमें गिवन है 28.7 ग्राम। ठीक, तो वापस से देखें CrCl3.6H2O को ट्रीट किया जाता है AgNO3 के साथ, ये हमें देता है AgCl, और AgCl हमें एग्जैक्ट कितना मिलता है 28.7 ग्राम AgCl इस रिएक्शन से हमें मिलता है। ठीक, अब आपको बोला गया है कि फॉर्मूला डिटेक्ट करना है कॉम्प्लेक्स का किसके अकॉर्डिंग, वर्नर थ्योरी, बट इसमें कुछ चेंजेज आएंगे, कुछ डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा ये। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको मोल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, देखो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर हम इसका देखें तो इसका होता है 143.5, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो हम क्या लिखेंगे 28.7 अपॉन 143.5, दोनों को कट करेंगे तो कितना आएगा 0.2 मोल, यानी हमें मोल कितने मिल रहे हैं AgCl के, 0.2 मोल AgCl में मिल रहा है। अब हम इसका भी आपको गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन वेट दे रखा है, कितना है 26.65 ग्राम। इसको भी अगर हम मोल में कन्वर्ट करें तो 26.65 अपॉन 266.5, दोनों में कट करेंगे कितना आएगा 0.1 मोल। अब देखो अगर इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है तो हम कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना स्टार्ट करें, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। अब देखो जो आयनाइजेबल पार्ट होगा उसको हम बाहर लेंगे। अब हमें ये देखना है कि कितने आयन जो सीएल है वो आयनाइजेबल हो रहे। देखो अगर यहां से एक बनता तो हम एक सीएल लिखते हैं भाई, एक सीएल इसके एक मोल से इसके एक सीएल निकल रहा है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिखते हैं वन सी, बट यहाँ पे देखो 0.1 से 0.2 आ रहा है, यानी एक से कितना आ रहा है, दो आ रहा है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, सी एल टू लिखेंगे। और अगर यहाँ पे एक से तीन आ रहे होते तो हम यहाँ पे क्या लिखते, सी एल थ्री लिखते। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर हमें क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सी आर, लिख दिया। अब देखो अब हम लिखेंगे हमारे पास में H2 कितने, छह, उसमें से हम, हाँ भाई देखो सी एल हमारे पास में तीन है, जिसमें से दो सी एल ही सिर्फ और सिर्फ फाइनलाइज हो रहे हैं, इसका मतलब एक सी एल आपको कहाँ पे मिलेगा, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगा, यानी एक सी एल आपको कहाँ मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगा, जो कि फाइनलाइज नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हमारे पास में एक H2 बचेगा, इस H2 को हम बाहर लिखेंगे, डॉट H2। तो साहब आपका ये जो फॉर्मूला है ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इसका फॉर्मूला ये रहेगा CrH2 का होल 5 ClCl2.2.H2। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लेकर के, ठीक है, मोल का कॉन्सेप्ट लेकर के आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते तो आपका गलत हो जाता, जिसमें आप क्या करते हैं भैया, आपके आपको पता है कि Cr+3 शो करेगा यहाँ पे, तो जिस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो आप क्या करते हैं CrH2 का होल 6, ठीक है, डॉट Cl, जो कि फॉर्मूला गलत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं करना है आपको, इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है अभी तक तो मेनली एडवांस में पूछा गया, बट कुछ जेईई मेंस में भी देखने को मिल सकता है इस बार, क्योंकि जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, एंड नीट में भी देखने को मिल सकता है। तो क्लियर है आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको चार कंपाउंड दे रखे हैं, कंपाउंड फर्स्ट दे रखा है आपको, कंपाउंड ले लीजिए आप COCl3 ले लीजिए, COCl3.6H2, एंड एक आपको दे रखा है, या NH3 ले लीजिए यहाँ पे, दूसरा दे रखा है आपको COCl3.5H2, ठीक है, NH3 यार बार बार H2 नहीं यार, एंड थर्ड COCl3.4NH3, एंड फोर्थ आपको कंपाउंड दे रखा है COCl3.3NH3, ठीक है। ये आपको चार टाइप के कंपाउंड दे रखे हैं, और इस पर हम बहुत से टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मेनली पूछे जाते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से कि आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इन सभी को आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है, मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, ज्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ, बहुत छोटा है थोड़ा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस, जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे ज्यादा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, नंबर ऑफ आयन ज्यादा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा। तो आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करके देखना पड़ेगा कौन कितने आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है, उस हिसाब से आप क्या अरेंज करोगे इसका, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसको हम क्वेश्चन कहते हैं, देखो हमारे पास में ये इन सभी को आपको वर्नर के फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है आपको, ठीक है, और इसको हम सॉरी भी वर्नर के हिसाब से लिखते हैं। देखो आपको दे रहेगा CO3.6H2, तो हम कैसे लिखेंगे, CO फिर आ जाएगा NH3 का होल 6 और Cl3, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड को हमें लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट CONH3 का होल 5 Cl फिर Cl2, थर्ड को लिखना है CONH3 का होल 4 Cl2 Cl एंड सॉरी फोर्थ को लिखना है, तो कैसे लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट CONH3 का होल 3 Cl3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास में चार कंपाउंड्स हैं, अब इनको क्या करेंगे हम आयनाइज करेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा, देखो ये प्लस में टूटेगा माइनस में टूटेगा, तो बनेगा क्या है यहाँ पे CONH3 का होल 6 प्लस 3 और यहाँ पे आएगा 3Cl-, क्लियर। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे कैसे बनेगा, CONH3 का होल 5 Cl ये आएगा प्लस 2 और 2Cl-, ठीक। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस फिर यहाँ पे आएगा Cl-, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट आयनाइजेबल पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये नहीं टूटेगा, ठीक। चलो
नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करता है। इसमें देखो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, नंबर ऑफ आयंस है 3 + 1 = 4, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितना है 0। तो जिसमें जितने नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे उसमें उतनी ही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर हम यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब फर्स्ट की, सॉरी पहले वो लिखेंगे, फोर्थ की सबसे कम होगी, फिर होगी थ्री की, फिर होगी सेकेंड की, फिर होगी फर्स्ट, यानी फर्स्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि फर्स्ट में नंबर ऑफ आयन कितना है 4। ठीक है, तो एक आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछी जाएगी। सेकेंड टाइप का यही चार कंपाउंड है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कीजिए, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट टाइप पे अगर हम करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर होगा। ठीक है, करते हैं एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड होगा। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब आपको या तो बोल देगा वो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के अंदर अरेंज करो, या आपको बोल देगा वेपर प्रेशर की आप वेपर प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर आपको बोल देगा फेजिंग पॉइंट हो गया, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, इन सब की कुछ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है इनके ऑर्डर के अंदर आपको देखेंगे। पहले सब अपन ये देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन की, आपको इतना ही ध्यान रखना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वही डिसाइड करती है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को और आगे हम ब्रीफ के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़े या जब भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ो तो इस चीज को आप रिलेट करके पढ़ना। ठीक है, देखो आपको पूछा जाएगा फर्स्ट, अब कैसे आप कंपेयर करोगे इसके लिए आपको ट्रिक लिखनी है। ट्रिक ये है कि अगर आपको वेपर प्रेशर पूछा जाता है या आप फिर आपसे पूछा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर या फिर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाता है तो वो इमर्सिव पोर्शन होता है नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो वेपर प्रेशर उसका कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका कम होगा। एंड दूसरी ट्रिक जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ आयंस के, मतलब जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, जितने आयंस ज्यादा होंगे उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन दो पॉइंट्स को याद रखना है, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इन दोनों पॉइंट्स पर सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट देता हूं इसी का, कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये जितने भी चार कंपाउंड हैं चारों कंपाउंड को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, देखो इसमें सबसे ज्यादा आयंस है, इसमें सबसे कम आयंस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यानी 4, फिर 3, फिर 2nd एंड फिर 1, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। मान लो आपसे पूछा जाता है कि वेपर प्रेशर का, कि वेपर प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, मान लो डिक्रीजिंग लिखते हैं एक बार, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे, वेपर प्रेशर जिसका नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो सेम क्या होगा, ये होगा, हाँ 4, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 1, फर्स्ट के अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है जिस कारण से इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक आपको इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि मोल्स ऑफ AgCl PPT, ठीक है, इसका ऑर्डर भी बताना है कि कौन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ AgCl PPT प्रोड्यूस करेगा। तो देखो जो जितने नंबर ऑफ Cl आयनाइज करेगा वही उतने नंबर ऑफ AgCl प्रोवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 Cl आयनाइज करेगा तो ये 3 AgCl बनाएगा, ये 2 Cl आयनाइज करेगा तो 2 AgCl बनाएगा, ये 1 Cl आयनाइज करेगा तो 1 AgCl बनाएगा, और ये कुछ भी नहीं। तो इसका भी ऑर्डर क्या आएगा, 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, यानी 1 फर्स्ट जो कंपाउंड है
ये आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एजिशियल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ जो होगा वो एक भी एजिशियल प्रॉपर्टी, सॉरी एजिशियल की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं करेगा अपनी रिएक्शन में, क्योंकि ये आयनाइज ही नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद में कोई भी आयनाइजेबल पार्ट है ही नहीं इसी का। ओके, तो आपको वर्नर थ्योरी पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेंस या फिर एडवांस हो। मैंने ओल्ड टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। ओके, एंड आई होप आपको वर्नर थ्योरी पसंद आई हो, समझ में आई होगी। अगर आपको वर्नर थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया अभी भी तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर नहीं डाउट रहा है तो अपन नेक्स्ट थ्योरी के अंदर मूव करेंगे, वो है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो 2 दिन बाद आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नया वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि वर्नर थ्योरी जो थी उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम मूव करेंगे और उसके बारे में हम देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें क्या क्या बताती है, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के